तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। बता रहा है कि कोई शहर है जिसमें टैक्सी का जो चार्जेस है एक जगह से दूसरे जाने के लिए, है ना, हम लोग टैक्सी जो है रिजर्व करते हैं, तो वो टैक्सी का जो चार्जेस है वो कुछ इस तरह से है कि टैक्सी का कुछ फिक्स्ड चार्जेस है और कुछ जो चार्जेस है वो पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो अगर बोले आपसे कि मान लीजिए कि जो फिक्स चार्जेस है वो 100 रुपया है और पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो अगर उस आदमी को 10 किलोमीटर जाना है तो कितना रुपीज देना होगा? तो हम बोलेंगे कि 100 रुपया तो उसका फिक्स चार्जेस है और पर किलोमीटर हिसाब से 5 रुपया है, तो 100 रुपया तो उसको ऐड होना ही है, देना ही पड़ेगा, और 5 रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर का हो गया 50 रुपया, तो 100 रुपया और प्लस 50 रुपया 150 रुपया उसको देना पड़ेगा अगर 10 किलोमीटर वो जाता है। तो कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। इफ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, अगर वो आदमी 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो ही पेस 1330 रुपीज, तो वो कितना रुपीज देता है जी? 1330 रुपये देता है अगर वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे डील करना है? हमको सबसे पहले लेट करके ये मानना होगा कि जो फिक्स चार्जेस है वो समथिंग है वाइक्स रुपीस एंड पर किलोमीटर चार्जेस वाई रुपीस, इसको लेट करना होगा। अगर आपसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन में कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस, जो फिक्स्ड चार्जेस है उसको अगर हम कह दें एक्स रुपीस, ठीक है, और पर किलोमीटर चार्जेस, जो पर किलोमीटर जो चार्जेस है उसको अगर कह देते हैं वाई रुपीस, ठीक है, तो अगर वो आदमी ये 80 किलोमीटर गया है, 80 किलोमीटर गया है, तो जाहिर सी बात है कि 80 को वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीस है, तो 80 किलोमीटर का 80 × y रुपीस हो जाएगा। तो अगर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि एक्स रुपीस तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, और प्लस में 80 y रुपीस उसको देना होगा, तब तो जाकर ये किसके बराबर होगा जी? 1330 रुपया के बराबर होगा, और यही हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगेन में अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप अगेन में बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, अगर वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है ही पेस 1490 रुपीज, तो वो 1490 रुपये देता है, ठीक है, तो 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 90 वही हो जाएगा उसका जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस, और एक्स तो उसको जुटना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स तो फिक्स्ड चार्जेस है, और ये 90 y = में कितना हो जाएगा? 1490 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसको? इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्स प्लस में 80 y = 1330, उसके नीचे हम इसको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस में 90 y = 1490, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सबका साइन जो है चेंज होगा, तो यहाँ से मिलेगा हमको 10 y, और यहाँ से कितना मिलेगा जी? तो ये हो गया 0 में 0 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1, और 1 कैंसिल हो गया तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस साइन रहेगा जो बड़ा ये है, तो माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, वाई का वैल्यू निकल गया 16 रुपया। पता क्या चला है कि वाई जो है यानी पर किलोमीटर चार्जेस उसका 16 रुपया है, ठीक है, उस टैक्सी का पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 16 रुपया है। फिर अगर हम बोले हैं कि इसका वाई को पुट करेंगे, बोलेंगे पुटिंग पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन वन, अगर वन में पुट करते हैं वाई के वैल्यू को, एक्स प्लस में 90 × में वाई के जगह पर 16 रखना है और इक्वल टू में 14, सॉरी है ना, तो इक्वेशन हम 2 में पुट कर रहे हैं, इसका मतलब है ना, इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन हम किसी में पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पर 90 × में 16 लिख दिए हैं, तो अब इक्वेशन 2 है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस में 90 × में 16 और इक्वल टू में 1490, देन एक्स इक्वल टू में 1490 माइनस में 16 × 144 होता है, और इस पे 1 0, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 1490 में 1440 घट जाएगा, 0 में 0 गया 0, 9 में 4 गया तो 5, और ये खत्म हो गया। ये देखिए आपको 50 रुपया नजर आ रहा है, ये इसका फिक्स चार्जेस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फिक्स चार्जेस कितना हो जाएगा जी? फिक्स चार्जेस इक्वल टू में 50 रुपया, और पर किलोमीटर जो चार्जेस है वो कितना हो जाएगा? तो ये निकला है 16 रुपया, ठीक है, 16 रुपया, समझ में आता रहेगा ये, इस तरह से इसका आंसर।